कैसा वो पहाड़ है यार, बिल्कुल रोड के ऊपर आ जाते हैं यार ये लोग। मतलब ये पहाड़ यहाँ पे चाइना बॉर्डर है पीछे, सारा बॉर्डर के पीछे पीछे। अच्छा, तो तभी उन्होंने मना कर रखा है कि आगे रिकॉर्डिंग नहीं करनी। दिल्ली से चार लोंडे अपनी बाइकों पर पहुंच चुके हैं चाइना बॉर्डर के पास। मैं तेरे साथ हूँ दन्नो, और आई नो तू भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी एंड तक। चल, इस पहाड़ के बैक साइड में चाइना है। देख लो कहाँ पहुंच गए भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में अभी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू प्राइड। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। हम यार लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम पहुंच चुके थे पू। तो पू यार यहाँ पे एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जिनको ना बताओ छोटा सा एक गांव पड़ता है जहाँ पे हमने रात को स्टे लिया था। और यहाँ के यार जो लोग हैं इनका नेचर वगैरह बहुत बढ़िया है। बाकी अपना जो रात का स्टे था बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया हमारे को रूम्स मिल गए थे। ये वाला जो रूम था ये मेरा था, बाकी अपने भाई लोग साथ वाले रूम में रुके थे। ये वाले रूम में मैं और जुनेद भाई थे, और यहाँ से हमारा जो बाहर का जो व्यू था कुछ इस तरीके का था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सारे माउंटेन्स हैं सारे ऊपर तक, बहुत तेज हवा चल रही है। और यहाँ पे जो नीचे व्हाइट वाले पेड़ है ना यार, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो गाइज, आप देख चुके होंगे कि हमारे रूम से क्या नज़ारे थे और कहाँ पे हमने स्टे लिया था। तो अभी चलते हैं हम दूसरे वाले रूम में और दिखाते हैं कि उस रूम में क्या चल रहा है। आई बिलीव वहाँ से आधे बंदे तो भाई ऊपर जा चुके हैं लगेज को लेकर बांधने के लिए। तो देखते हैं उस रूम में कौन है। और ये हमारा छोटा सा दोस्त जो यहाँ पे हमारा नया दोस्त बना है, इसका नाम है शेरू, है ना शेरू? ये बहुत अच्छा है, इसने हमारा रात को बहुत हमारे को प्रोटेक्ट करा है। यहाँ पे हमारे रूम के बाहर ही बैठा हुआ था ये, है ना शेरू? बहुत अच्छा है ये। तो अभी हम चलते हैं इस वाले रूम में। हाँ भाई, क्या कर रहे हो इधर? स्टेटस लगा रहा हूँ। जाना जुना नहीं है क्या भाई? स्पीति जा रहे हैं। तो भाई अब होने वाला है असली एडवेंचर स्टार्ट। इसीलिए मैंने बढ़िया तरीके राइडिंग गियर्स वगैरह पहन लिए। और ये क्या? और भाई मिनी बैग आज भाई यहाँ पे एक कैमरा है, ये देखो इससे बढ़िया बढ़िया फोटोज निकलने वाली है, जो कि आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। और हाँ गाइस, आपको एक बात बताऊं, ये वो लोग तीसरी बार शूट हो रहा है, तो लाइक जरूर करना भाई के वीडियो को। हाँ। एक बार पहले शूट करा वो सही नहीं हुआ, दोबारा कैमरा ऑन नहीं किया, अब ये थर्ड टाइम शूट हो रहा है भाई। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें ना होती रहती है, नए नए ब्लॉगर है ना अभी। तो भाई हम आज भाई हमारा फोटो शूट करने वाले हैं, जिसकी जो सारी फोटोज होंगी हमारे इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, और भाई के भी। पू 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 पू, घर वालों का फोन आता है, कहाँ पे रुके हो? पू। तो भाई इस जगह का जो नाम है ना पू, इसको बोल बोल, अगर हम ये चीज बोल रहे हैं घर पे कि हम कहाँ रुके हैं, पू, घर वाले कह रहे क्या बोल रहे हो पू, ये कौन सी जगह है भाई? घर वालों को नाम तक नहीं पता ऐसी भी कोई जगह है, हमें खुद नहीं पता था भाई। वो तो भाई रात काफी ज्यादा हो गई थी, तो हमारे को यहाँ रुकना पड़ गया, वरना तो हमारा प्लान था सीधा जाके नाको रुकने का, लेकिन रास्ते में थोड़े लैंडस्लाइड वगैरह मिले, जिस वजह से हमारे को यहीं पे रुकना पड़ गया। तो चलो बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको लगेज कैसे बांधा जाता है। तो भाई जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही स्वीट नेचर के हैं, तो यहाँ पे आने के बाद हमारे को सबसे पहले दीदी मिली थी, इन्होंने बिल्कुल ऐसा ट्रीट करा जैसे कि हम घर पर ही हों। यहाँ पे आने के बाद हमें लगा ही नहीं कि हम हमारे घर से 500-550 किलोमीटर दूर हैं। थैंक यू दी। बाकी अभी आते हैं हम चाय पीने के लिए, वैसी रात जैसी चाय पीनी है। तो भाई यहाँ पे आने के बाद जो हम जिस रूम में हमने स्टे करा था वो था भैया का, बहुत ही कोजी स्टे था, और हमारे को लगा ही नहीं कि हम घर से दूर हैं, बिल्कुल घर की तरह भैया ने हमारे को ट्रीट करा जैसे एक बड़े भाई छोटे भाई को करते हैं। तो भैया आपका यहाँ का एड्रेस वगैरह बता दो अगर कोई आना चाहे तो। एड्रेस ये डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ पू। ओके, तो तो भाई यहाँ पे आने के बाद ही आपको देखो कुछ इस तरीके की लोकेशन मिलेगी, यहाँ से आप आओगे सेक्रेटरीट है ये। ओके, ये सचिवालय है यहाँ का। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे लिखा होगा ओम होटल्स, उसके बिल्कुल जस्ट सामने ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा रूम्स करके लिखा होगा, यहीं पे भैया आपको मिल जाएंगे, यहाँ नीचे जाके रूम्स मिल जाएंगे आपको। कॉम्प्लेक्स है, हाँ जी, बहुत ही रीजनेबल प्राइजेज हैं, तो आप आ सकते हो अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो, बिल्कुल घर जैसा फील आपको होगा। और यहाँ पे भैया भी हैं, भैया भी हैं, भैया की यहाँ पे शॉप है, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी शॉप से, जो भी आपको चाहिए नीडफुल चीज। थैंक यू भैया इतने कोजी स्टे के लिए। ओके ओके, आना दिल्ली के सभी लोगों को बोला आना जरूर एक बार। हाँ जी, नहीं दिल्ली के जो भी लाइफ में एक बार जरूर आओ, आना यार यहाँ का एक बार इन्वायरमेंट आके चेक करना, ना ही ज्यादा ठंड है ना ही ज्यादा गर्मी है,
और भैया लोग। सो फाइनली गाइस, हम यहाँ से निकलने के लिए सारे राइडर्स तैयार हो चुके हैं, सबकी बाइकों पे लगे लग चुका है और अपनी बाइक पे भी लग चुका है। वो देखो भाई, ये बंदा दिल्ली से यहाँ तक पहुंच गया सिर्फ एक छोटे से बैग लेकर। भैया मलिका शेरावत से भी कम कपड़े पहनते हो तुम तो। ये तो भाई का है, तेरा तो वही है। इस अपनी ट्रिप का सबसे अच्छा डायलॉग ये था कि तुम मलिका शेरावत से भी छोटे कपड़े पहनता है। शक्ल भी मिलती है भाई की तो वैसे। हम यहाँ से यार पू से हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। यार यार रास्ता देखो यार, रात को हम इस रास्ते में से चढ़कर आए हैं भाई साहब। बिल्कुल स्टिफ चढ़ाई थी इस रास्ते की, अब उतर रहे हैं तो पता चल रहा है। सामने वाला पहाड़ देखो यार, बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ। फौजियों का ये है एरिया और यहीं पर एक स्कूल पड़ता है छोटा सा, आर्मी ट्रिपिक पब्लिक स्कूल। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, बताओ यार कहाँ पहाड़ पे चढ़ के बिल्कुल बच्चों का स्कूल है यार, कैसी जगह पर। बस यही देख के यार खुशी मिलती है कि अपना इंडिया इतना तरक्की कर रहा है कि एजुकेशन हर कोने कोने तक पहुँचा रखी है। और अपने भाई लोग वो जाते हुए सारे के सारे स्लो स्लो, सबको यार इन रोडों का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को है क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसी रोड्स पे बाइक ड्राइव कर रखी है। भद्राज वाले व्लॉग्स अगर आपने नहीं देखे हैं, मेरी जो देहरादून भद्राज में गया था तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस व्लॉग को देखना। ऐसी ही चढ़ाई थी वहाँ पर और इससे ज़्यादा ख़राब रोड थे यहाँ तो। फिर ये सीमेंटेड रोड बने हुए हैं, जहाँ पर मैंने करा था वो बिल्कुल ऑफ रोड था यार, ऐसी खड़ी चढ़ाई पर। रामपुर से नाको की तरफ जा रहे हो और आपको रात में स्टे करना है तो यहाँ पे एक बोर्ड आता है ओम होटल पू का। ये वाले रोड से हम रामनगर से आ रहे थे, हम सीधा निकल के इधर पू क्रॉस हो गया था। आप यहाँ से ऊपर चढ़ के आप होटल्स वगैरह के लिए जा सकते हो, जाना चाहो तो। काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों में ट्रैवल करा है लेकिन यार स्पीति के जो पहाड़ है ना यार बिल्कुल अलग है। आप इसी पहाड़ को देख लो, कैसा वो पहाड़ है यार, बिल्कुल रोड के ऊपर आ जाते हैं यार ये लोग, मतलब ये पहाड़। भाई यहाँ पे एक बार फिर हमारे को रुकवाया है, बानवे जिक्सर सुजुकी वालों की जिक्सर है, एस यहाँ पे चाइना बॉर्डर है पीछे। अच्छा तो तभी उन्होंने मना करा कि आगे रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, फिर फॉरनरों को यहाँ से बिना उसका जाने का नहीं है। चलो आप तो इंडियन है ना। हाँ जी हाँ जी, पर फॉरनर को तो पास चाहिए। चाइना बॉर्डर वाले पहाड़ के पीछे है ओ भाई, खाबी बीच आ गया ना। हाँ जी, पार्चू झील जो है वो वहीं के अंदर से खाब बीच से बन। ओके ओके, सतलुज नदी कौन सी नदी है? सतलुज। ओके सर, जय हिंद। जस्ट क्योंकि इस पहाड़ी के पीछे पीछे चाइना बॉर्डर है तो दिल्ली से चार लोंडे अपनी बाइकों पर पहुंच चुके हैं चाइना बॉर्डर के पास। ऐसे अच्छा लगता है हमारे जो देश की प्रोटेक्शन कर रहे हैं इनको सलाम ठोकने में। ये हमारे लिए बताओ ऐसी जगहों पर रह रहे हैं यार सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे चाइना बॉर्डर है और आपको पता है यार चाइना के साथ कभी भी कुछ भी हो जाता है। और हम कर रहे हैं सतलुज रिवर को पार, ये सतलुज रिवर के ऊपर से ब्रिज है यार, इन ब्रिजों की ना बात ही लगे, इस पे जो तिब्बती फ्लैग्स लगे हुए हैं ना उनके वजह से। और भाई ये वाला पहाड़ चेक करो भाई, बहुत लोगों ने तेरे को अंडर एस्टिमेट करा धन्नो कि तू एक कम सीसी की बाइक है, तेरे अंदर इतनी पावर नहीं है, ये इन पहाड़ों पर नहीं कर सकती, पर हम करके दिखाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ धन्नो और आई नो तू भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी एंड तक। चल चल हम करके जाएंगे आज, चलो चल धन्नो चल। तो गाइस अभी हम जा रहे थे नाको की तरफ, नाको से मतलब हमें जाना तो ऊपर ही है, सीधा काजा लगाएंगे आज बाइक को। बाकी अपने भाई लोग पीछे कर रहे हैं यार, यहाँ पे शूट वगैरह चल रहा है। और भाई इस रोड पर सिर्फ हमारी बाइकें और कुछ भी नहीं है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और हमारी ही बाइकें फैली हुई हैं, पूरी तरफ पहाड़ है यार। ये आला नज़ारा देख के ना यार मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे आने का, कभी हम सिर्फ वीडियोस में देखा करते थे ये रोड, आज हम इस रोड को खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं।
यहाँ खालिद भाई को देखो, मोज काट दी भाई, मोज काट दी, मोज काट दी भाई। पहाड़ में ना एंड नहीं देखा जो हकीकत भाई, आज खुद करा एंड भाई। हमेशा हम यही सारी चीजें हम देखते वीडियोस में देखते थे यूट्यूब पे भाई, सर्च करो चलो पहाड़ ही देखते हैं। देखिए नीचे नीचे देखिए, मनाली देखा है और कुल्लू देखा, शिमला भी देख लिया भाई। यहाँ की पहाड़ी, यहाँ की पहाड़ी भाई, पहाड़ियों से हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके खड़े हुए इस टाइम भाई। ये लगा लो इस पहाड़ के बैक साइड में चाइना है, चाइना है। देख लो कहाँ पहुंच गए तुम्हारे भाई लोग, चारों भाई के जिक्सर यहाँ पे, अपनी दोनों RR और R15 आतंक बचाते हुए आ गए हैं। लैंडस्लाइड एरिया है और यहाँ पे यार साइड में रेलिंग तक नहीं है, और भाई रोड काफी अच्छे कर दिए हैं क्योंकि अभी यार यहाँ पे बाइकर्स वगैरह आते हैं, टूरिज्म है। ये देखो यार सारा कुछ ये लैंडस्लाइड हो के नीचे रोडों पे रखा है भाई। यार ये देखो जिस टाइम अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ना यार भाई, देखो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से कितना नीचे है यार, वो देखो नीचे है सतलुज रिवर भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है जिसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में अभी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने सोचा है कि जून जुलाई में मैं लद्दाख भी करूँगा, तो जिन्होंने भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भाई सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी जगहों पर ऐसी ट्रिप्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और उसको ऑल पे क्लिक कर देना। रोड कहाँ है यार, यहाँ पे रोड है ही नहीं, और भाई यहाँ रोडों पे चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे भाई लैंडस्लाइड हुआ है तो यहाँ पे रास्ता बनाया जा रहा है।